आज डिस्कस करेंगे काउंटर बोरिंग और स्पॉट फेसिंग के बीच में डिफरेंस के बारे में। जो काउंटर बोरिंग होती है और स्पॉट फेसिंग होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो काउंटर बोरिंग और स्पॉट फेसिंग है क्या, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये दोनों प्रोसेसेस हैं क्या। ये एक तरह की ड्रिलिंग मशीन पे होने वाली प्रोसेसेस हैं जो हम ड्रिलिंग मशीन पे करते हैं। ड्रिलिंग मशीन पे हम क्या करते हैं, मेनली हम ड्रिलिंग मशीन पे पहले होल क्रिएट करते हैं, फिर उस होल के ऊपर वर्किंग करना काउंटर बोरिंग और स्पॉट फेसिंग कहलाता है। तो किस तरह की वर्किंग, तो हम ये देखते हैं, ये फिगर देखते हैं। ये फिगर वन है। इस फिगर के अंदर ये जो अंदर वाला होल है, ये है इंटरनल डायामीटर होल का। इंटरनल डाया, ये होल का इंटरनल डाया है, जो अंदर का इसका डाया है। और ये होल हमने क्या किया, ऊपर से इसको रीशेप कर दिया। तो इसको हम काउंटर बोरिंग बोलते हैं, जब हम होल के ऊपर वाले सिरे को बोर करते हैं। बोर का मतलब उसके डाया को एनलार्ज कर देते हैं। पहले होल का डाया ये था, मान लीजिए यहाँ 10 mm था, तो यहाँ हमने कर दिया उसको 15 mm। ये दोनों सर्कुलर शेप में भी हो सकता है और स्केयर शेप भी हम इसको दे सकते हैं। मीन्स हम इसको स्केयर शेप और सर्कुलर शेप दोनों ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ये हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई नट बोल्ट इसके अंदर आराम से फिट हो सके और इसके अंदर अपनी सीटिंग आराम से कर सके, अगर हम इसको फिट करते हैं और वो सरफेस के ऊपर ना जाए, तो सरफेस के साथ वो मैच कर जाए। तो इसलिए हम काउंटर बोर का यूज़ करते हैं ताकि हम किसी नट को बोल्ट को ईजिली इसके अंदर हम फिट कर सकें, वो सरफेस के ऊपर ना आए, तो इसलिए हम काउंटर बोरिंग का यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ है स्पॉट फेसिंग। ये है स्पॉट फेसिंग। ये तो थी काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, होल के डाया को ऊपर से एनलार्ज करके थोड़ी डीप में ले जाते हैं ताकि वहाँ पे कोई भी बोल्ट नट फिट हो सके और वो सरफेस के ऊपर ना आए, तो ऊपर से सरफेस प्लेन रहे। स्पॉट फेसिंग क्या होती है? स्पॉट फेसिंग के अंदर क्या है, इसके नेम से ही क्लियर है। स्पॉट, स्पॉट का मतलब क्या है कि एक जो जगह है उसको हमें फेसिंग करनी है। मान लीजिए ये होल है हमारा किसी वर्क पीस के अंदर, और हमें क्या करना है, सिर्फ जो उसका ऊपर वाला फेस है उसको थोड़ा सा साफ करना है। मींस इसकी जो काउंटर बोरिंग की डीपनेस थी वो ज़्यादा थी, इसकी हल्की सी होगी। हल्की सी हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर हम इसके ऊपर कोई स्क्रू फिट करें, कोई बोल्ट फिट करें, तो वो ईजिली जो वाशर है, वाशर वगैरह उसके अंदर डालें, तो ईजिली वो यहाँ पे फिट हो जाए वाशर, और वो सीधा रहे, स्ट्रेट रहे, ऊबड़ खाबड़ सरफेस ना हो। इसलिए फेसिंग करते हैं कि वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस हम उस स्पॉट को दे दें। ये होल था, हमने ये स्पॉट, हमें पता था कि इस होल के चारों तरफ हमें बिल्कुल स्मूथ सरफेस चाहिए, तो हमने इसके चारों तरफ बिल्कुल स्मूथ सरफेस पैदा कर दिया। हल्की सी वो मटेरियल तो रिमूव होगा वहाँ से। तो इसका यूज़ क्या है कि कोई नट डालते हैं, बोल्ट डालते हैं, उसके अंदर वाशर जब हम डालते हैं तो ईजिली यहाँ प्लेस हो सकता है और नट अच्छी तरह से या बोल्ट अच्छी तरह से टाइट हो सकता है। इसको हम समझने के लिए स्पॉट फेसिंग को इसकी हेल्प लेते हैं। अब ये डीप हमने किया, तो स्पॉट फेसिंग का मतलब ये नहीं है कि वर्क पीस के अंदर हमें डीपनेस करनी पड़ेगी, अंदर से उसको खोदना पड़ेगा। ये हमारा बाहर भी हो सकता है, जैसे ये है, ये होल है, ये वर्क पीस की यहाँ तक थिकनेस थी, लेकिन जो होल है वो थोड़ी ऊपर है, यहाँ पे ये जो वर्क पीस की थिकनेस है ज़्यादा है, तो होल ऊपर तक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो सरफेस है वो रफ़ है, बिल्कुल रफ़ है, अगर हम इसके ऊपर कोई नट वगैरह फिट करते हैं, बोल्ट वगैरह फिट करते हैं, तो वो कैसा आएगा, इसके ऊपर ठीक नहीं फिट होगा। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को फेसिंग कर देते हैं, स्पॉट फेसिंग। इसको भी क्लीन कर दिया, इसको भी क्लीन कर दिया। अब जब हम इसके अंदर कोई बोल्ट फिट करेंगे
तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से इसके ऊपर प्लेस हो जाएगा। तो इसलिए स्पॉट फेसिंग का यूज़ करते हैं ताकि हम किसी होल के चारों तरफ का जो सरफेस है उसको क्लीन कर सकें और थोड़ा सा उसको स्पॉट दे सकें वॉशर के या बोल्ट के बैठने के लिए। तो इस फिगर से भी हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई कर्व सरफेस है और यहाँ पे ये होल है, ये होल है, ये कोई कर्व सरफेस है और ये होल है। अब जब हम इसके ऊपर कोई वॉशर फिट करेंगे तो वो इस तरह से आएगी, इस तरह से ये वॉशर आएगी, ये वॉशर है। तो ये क्या है, टिल्ट हो गई, एक एंगल पे टिल्ट हो गई, अच्छी तरह से इसके ऊपर फिट नहीं हुई। तो हमने क्या किया, स्पॉट फेसिंग टूल से इसको यहाँ से फेस कर दिया थोड़ा सा। तो क्या होगा, जो वॉशर है बिल्कुल सीधी इसके ऊपर फिट हो जाएगी। अब इस वॉशर के अंदर हम कोई बोल्ट आराम से डाल सकते हैं और वो इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से फिट होगा। तो जो स्पॉट फेसिंग है वो में एक्चुअली है क्या, है तो वो काउंटर बोरिंग की तरह ही, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, होल के चारों तरफ का जो एरिया है उसको स्मूथ करते हैं। वो स्केयर शेप में भी कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में भी कर सकते हैं, या फिर ये अंदर की तरफ भी होती है और ये बाहर की तरफ भी प्लेन करने के काम आती है। कर्व सरफेस पे भी स्पॉट फेसिंग कर सकते हैं। तो ये काउंटर बोरिंग और स्पॉट फेसिंग के बीच में डिफरेंस था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।